हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम कलेजी। इसके लिए मैंने मशरूम को वॉश करके अच्छे पानी से इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, जब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। मशरूम हमारे अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, इसको 5 से 7 मिनट बॉईल करना है। मसाले में मैंने लिए प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 8 से 10 लहसुन की कली। इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मैं अदरक ऐड नहीं कर रही हूँ। खड़े मसाले में पीसेंगे जायत्री, 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा जायफल और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे से। इनको हम सारे मसालों को एक साथ पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। कर देंगे थोड़ा सा सारे मसाले इसमें डाल के, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हाफ से भी कम है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई पाउडर, इसको डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसमें खड़ी काली मिर्च जो है पेस्ट के साथ और थोड़ी सी ज़्यादा से पीस सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। मशरूम को मैंने अच्छे 4 पीसेस में कट कर लिया, आप अपने हिसाब से 2 या 3 पीसेस में कट कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे पानी से भी एक बार वॉश कर लिया, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया, इसमें सारे मशरूम डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे मशरूम को अच्छे से। मशरूम में डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम हमारे फ्राई हो गए 3 से 4 मिनट, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मशरूम को मैंने निकाल लिया है, कढ़ाई में वापस से ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मसाले में हम खड़े मसाले में डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। उसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे तेल में। अब जो मसाला हमने मिक्स करके रखा था उसको डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक पहले हमने नहीं डाला था इसलिए अब हम नमक को डाल देंगे स्वाद अनुसार। मसाले को अच्छे से 4 से 5 मिनट भून लेंगे। मैंने 8 से 10 काजू लिए, इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। काजू का पेस्ट हमने बना लिया है, मसाला भी देखिए हमारा भून गया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, इसको ऐड कर देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसको उसी में ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। काजू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको ना डालें। अच्छे से मसाले के साथ अभी हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे काजू के पेस्ट को। मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से, अब हम इसमें डाल देंगे मशरूम जो हमने फ्राई करके रखी थी, इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाले के साथ इसको भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ हम मशरूम को पकाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको ढक्कन ढक के छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए। बीच बीच को में हम इसको चेक करते रहेंगे। मशरूम को हम एक बार चेक कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम हमेशा थोड़ा सा टाइट ही रहता है, मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं होता है। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट और पकने देंगे, फिर से ढक्कन ढक के इसको छोड़ देंगे।
सब्जी बनकर हमारी रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसको रोटी के साथ आप खाएं, बहुत अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।